निशा रानी जो है ना, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसको जितना देख रहा हूँ, सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं उसको इग्नोर करना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सस्ता कॉपी है अपनी राखी सावंत की, सस्ता कॉपी नहीं मतलब राखी सावंत जैसी ही लग रही थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, इससे भाई ऐसा लग रहा है यार ये बंदी जो है ना बहुत ही एकदम मस्त सी है, और जितना इंटरटेन कर रही है ना वो बहुत ही अलग लेवल पे और अलग तरह से कर रही है भाई। इसका कोई तोड़ नहीं है इस बिग बॉस के अंदर में। एक चीज और, जब ये बंदी जो है किस देने की बात आती है, मतलब जब जैद बोलता है कि कमन किस में है, उस टाइम पे जो है वो बंदी बोल रही होती है कि नहीं 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 मैं किस नहीं देने वाली हूँ, किस दूंगी तो आकांक्षा के सामने में दूंगी, बबुआ हमारे सामने में ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारी वाली आइटम अंदर में बैठी है बोलकर के बाहर में हमारे साथ में। तो भाई एकदम सा वो माहौल जो है ना भाई कुछ और था, मैं हंस हंस के पागल हो गया। और ये बंदी ने ये साबित कर दिया, मुझे पहले लगा कि ये इस पे चेप हो रही है और इसको पटाके ही मानेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल के किसी कोने में ऐसा होगा शायद, लेकिन पूरे तरह से ऐसा नहीं है। जब वो बीच में बोलती थी पूरे हफ्ते के अंदर में कि मैं ये सिर्फ फन के लिए कर रही हूँ, एक मजाक है, और अगर तुमको फिर भी लगता है कि ये सारी चीज बुरा कर रही हूँ मैं, तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, ये मुझे लगता था कि ये बस हवा में डायलॉग मार रही है, ऐसा कुछ है नहीं है, ये बंदी फुल फ्लैट है, इसको पटाके ही मानेगी। लेकिन बंदी जो बोलती थी वो इस सीन पे जो है पूरा क्लियर हो गया कि उसने बोला किस नहीं दूंगी, और चलो दूंगी, फिर से टाल गई कि किस दूंगी, जब शो जीतूंगी सलमान सर के सामने में किस दूंगी। तो तब तक अपने आप को थोड़ा काबू में रखो, कंट्रोल कर लो फीलिंग को। भाई ये क्या चीज है यार, मतलब अब तक जो सोच रहा था उससे पूरी पलट निकली है। और मनीषा रानी भाई ये एकदम रियल रानी निकल रही है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा फील हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बिग बॉस ओटीटी 2 की विनर हो जाए। मुश्किल है, एंटरटेनर को मैंने नहीं देखा विनर होते हुए, कुछ और लोगों को विनर बनाते हैं ये लोग, लेकिन अब तक जो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में जो फील किया ना बस वो यही है। बंदी इमोशनल है, बंदी फनी है, बंदी केयरिंग भी है, मतलब केयर करती है जैद को। इसके अलावा जो है बंदी ने डिमांड किया है बिग बॉस से कि दो चार छोरा लोगों को और भेजो, एकदम हैंडसम हैंडसम बॉडी बिल्डर टाइप होना चाहिए, एकदम मस्त बंदा भेजो, वरना हम देखो कुछ भी करेंगे। तो भाई ये बंदी कुछ अलग लेवल पे एंटरटेन कर रही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, दैट वाज माय ओपिनियन। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपको कैसी लगती है मनीषा रानी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और डिस्कशन गॉसिप और रिव्यू के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।